हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरीके से, अगर आप मान लो आपको आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही कराना है या नाम पता और कुछ इत्यादि आपको इसमें सही करवाना हो, फोटो वगैरह या सिग्नेचर एड्रेस जो भी आपको सही करवाने हों, तो आपके आसपास में जितने भी आधार सेंटर हैं और जहाँ पे आप जाके सही करवा सकते हैं, कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो आप ऑनलाइन अपने नंबर से कर सकते हैं, खुद स्वयं कर सकते हैं ऑनलाइन अगर आपका नंबर जुड़ा हुआ है उस मोबाइल नंबर, और कुछ ऐसे हैं जो मोबाइल नंबर जुड़ा होने के बावजूद भी आप उनको सही नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ सर्विस सेंटर वाले ही कर सकते हैं जिनके पास मान्यता प्राप्त होती है आधार सेंटर वाले। तो किस तरीके से आप अपने आसपास के नज़दीकी को आधार सेवा केंद्र को सर्च करेंगे और पता करेंगे कि हमारे यहाँ पे आधार केंद्र है, तो चलिए आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको चलना होगा क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद में आपको सिंपल सा UIDAI लिख के सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद में आपको जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा UDI.gov.in पे ओके कर देना है। तो आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आपको वहाँ पे ले जाएगा डायरेक्ट। तो नेटवर्क स्लो है तो थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पे हमने सर्च किया था जो कि सचा हो चुका है, और यहाँ पे हम UIDAI.gov.in पे ओके कर देते हैं जो फर्स्ट सबसे वाली है। करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है सबसे पहले गेट ए आधार, यहाँ पे लिखा हुआ आधार इज फॉर एवरी रेजिडेंस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे लोकेट एट इनरोलमेंट सेंटर यहाँ पे कर देते हैं। तो हमें करना क्या, हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि हमारे आसपास जो आधार सेंटर हैं जाके अपना कुछ डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर अपडेट कराना, तो वो कैसे कराना होगा वही हम बता रहे हैं प्रोसेस। तो सबसे पहले स्टेट पर जाएंगे। स्टेट पर जाने के बाद में आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा जो आपका स्टेट है, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जैसे कि भरतपुर, और उसके बाद सम डिस्ट्रिक्ट, नगर और विलेज सिटी टाउन जो आसपास के आपका, जैसे सीकरी चौक नंबर 1 हम सर्च कर देते हैं यहाँ पे। अगर रिफ्रेश करना चाहते हो, देखिए हम कर देते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पे ये बदल चुका है कैप्चर। तो कैप्चर आप बदल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 7hh5x5, और लोकेटेड सेंटर पर ओके कर दें। ओके करने के बाद में थोड़ा इंतज़ार करना होगा आपको। इंतजार करने के बाद में यहाँ पे देखिए जो इनरोलमेंट सेंटर फाउंड यहाँ पे दिए होंगे वो सिर्फ 3 है सीकरी में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एड्रेस दिया हुआ सीकरी पोस्ट ऑफिस सीकरी भरतपुर, और नगर सीकरी चौक नंबर 1। यहाँ पे जो लास्ट अपडेट इनरोलमेंट है 0 है, अपडेट वगैरह 2 कराए गए हैं। और यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि इस आधार सेंटर पे कितने अपडेट हो चुके हैं और कितने होने वाले हैं, कौन सी तारीख को कितने हुए, ये लगभग यहाँ पे दिखा देता है। उसके बाद दूसरा रजिस्ट्रेशन है जो उसमें दोनों में 0-0 है, वो भी एक ही जो कि 2 बार डाला गया है। उसके बाद तीसरा आता है रजिस्ट्रेशन जो डिप्टी ऑफ ITC गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, एड्रेस है जो कृष्ण भरत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र सीकरी भरतपुर। तो इसमें लिखा हुआ है जो कि लास्ट जो 30 दिन में इनरोलमेंट हुए 82 और अपडेट 238 हैं। तो इस तरीके से ये जो दिया हुआ है ये थाने के पास में, तो जो भी मेरे दोस्त अगर अपने आसपास के कहीं के स्टेट का रहने वाला हो या राजस्थान का ही हो, सबसे पहले अपना इस डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट, सबसे पहले स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर सम डिस्ट्रिक्ट, जो भी जिले से उस हिसाब से कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद आपके आपके आसपास का आपको मिल जाएगा आधार सेंटर, वहाँ से जाके आप अपना नाम पता जो भी अपडेट कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना है कि आपसे विनती करते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना। जय हिंद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।